ये सर एक गोदरेज इंडस्ट्रीज देखिए, देखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज में मैं करेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा 454 तक का। 454 पे आके हम देखेंगे कैसा प्राइस एक्शन है, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि वर्स्ट ओवर है कि नहीं स्टॉक के लिए, क्योंकि अभी तो काफी शार्प रैली ये दे चुका है ऑलरेडी। 400 से करीब ये 498 490 तक की आके वापस ये करेक्शन दे रहा है, तो मुझे लगता है एक बार ये 451 452 तक जाना चाहिए। लेकिन अगर सर मेरी खरीद ऊपरी लेवल की है 495 की, तो मैं क्या करूं? वही वाला स्टॉप लॉस लगा लूं जहां आप कह रहे हैं? नहीं, आपको फिर आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि आप अभी ये बीच में है बेसिकली ये, इसलिए अभी इसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनिशियली जब हम लेते हैं पोजीशन ना, उसी समय एक सही स्टॉप लॉस लेके ले, तो इस टाइप की सिचुएशन में फंसेंगे नहीं ज्यादा। अभी भी अगर आपको इसका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा तो फिर वो 428 आ रहा है नीचे स्टॉप लॉस, एक्चुअली बहुत नीचे आ रहा है, बहुत ये प्रॉब्लम है अच्छी बात आपको। यस, और आप उसको रिवॉर्ड देखेंगे तो बहुत स्क्यूड हो जाएगा। है। आइडियली क्या करना चाहिए? मुझे यहां से निकल जाऊं और पैसे कहीं किसी और उसमें शिफ्ट कर आप दें? माइनर लॉस बुक करके आप किसी और काउंटर में जहां आपको ठीक सेटअप दिखे वहां रखिए, और इनिशियली स्टॉप लॉस रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनिशियल। जब आप मतलब मैच में जा रहे हैं, उसके पहले प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी रहता है, तो वो डिसीजंस कुछ पहले लिए जाते हैं मैच के, कि टीम में आप किसको खिलाएंगे, वो उसके बाद आप उसमें कुछ चेंजेस कर नहीं सकते, वही प्रॉब्लम है यहाँ पे। जी ठीक है, ठीक है। ये है व्यू, थोड़ा सा नीचे, काफ़ी नीचे आया स्टॉप लॉस अब तक, मतलब उससे पहले लगा हुआ होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल क्या करना है वो भी काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग गया। अच्छी बात ये रही कि टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए ऐसी जगहों पे, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं और नीचे एक तरफ अभी जो जा ही रहा है और मार्केट के साथ में व्यू जो है उसी तरीके का है नीचे की तरफ का कहीं ना कहीं, तो इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्की हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है।